गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप सब तो सब बच्चोंगे आज के अखबारों सार सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज हम देखेंगे कि आज के अखबारों कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं सबसे पहले आज नवरात्राओं का अंतिम और नवा दिन और नवरात्राओं का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है तो माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रगट्टा कुष्मंडा स्कंदा माता कात्यानी कालरात्रि माघोरी आपके आपके चाहने वालों के परिवारजनों के सभी के सपने साकार करें और जो भी आपने सपने देखे उनको परिपूर्ण करें इसी मनोकामना के साथ आज के लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं सबसे पहली जो न्यूज है वो क्या है कि सभी अखबारों के पहले पन्ने पर ये न्यूज है कि दो माह से नज़रबंद फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से पार्टी नेता मिले यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेता दो माह से नज़रबंद थे उनको मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है या ये कहा है कि उनको थोड़ा रियायतें दी हैं तो हमारे लिए एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से कौन सी बात काम की हमारे लिए काम की बात किया है कि भाई भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में निवारक कानून की प्रावधान किया गया है या डिटेंशन कानून का प्रावधान किया गया है और उससे संबंधित कौन कौन से तथ्य हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि निवारक कानून की बात किसके अंदर की गई है हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकारों में निवारक कानून की बात की गई तो मूल अधिकारों की चर्चा करते हुए मूल अधिकार कुछ बेसिक पॉइंट पहले देख लेते हैं मूल अधिकारों को पहली बात तो मूल अधिकार क्यों कहते हैं मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस देश के जो जिस पर्टिकुलर देश में ये लागू होते हैं तो उस देश के जो कानून हैं जो कानून के मूल सिद्धांत उनसे इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है या उस कानून के सिद्धांत के द्वारा इनको लागू किया जाता है इसलिए इनको मूल अधिकार कहते हैं इसके अलावा इनको मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चौमुखी विकास भौतिक बौद्धिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं इसलिए भी इनको क्या कहते हैं मूल अधिकार कहते हैं मूल अधिकार भारतीय संविधान कौन से आर्टिकल्स के अंदर है तो 12 से 35 तक भारत के संविधान के भाग चार कौन से भाग में भाग चार में सॉरी भाग तीन में सॉरी भारतीय संविधान के भाग तीन में बारह नंबर के अनुच्छेद से पैंतीस नंबर के अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए और मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कौन सा कार्टा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसके अलावा मूल अधिकार को किसका प्रतीक माना जाता है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ठीक है राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है मूल अधिकारों को कितने मूल अधिकारों की मूल संविधान के अंदर बात की गई थी तो सात मूल अधिकारों की मूल संविधान के अंदर बात की गई थी पहला जो मूल अधिकार है वो समता का अधिकार कौन सा आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद में लिखा गया चौदह से अठारह तक के जो आर्टिकल है वो समता के अधिकार है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार कौन से उन्नीस से बाईस तक स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल में तेईस से चौबीस शोषण के विरुद्ध और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पच्चीस से अट्ठाइस के बीच संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार उनतीस से तीस के बीच संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद इकतीस और सातवां और अंतिम मूल अधिकार क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद बत्तीस में उल्लेखित किया गया हालांकि चौवालीसवीं संविधान संशोधन उन्नीस में मूल अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार यानी कि छठे मूल अधिकार जो अनुच्छेद 21 में उल्लेखित किया गया तो उसको हटा दिया गया और अभी उसको किस में रखा गया संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद तीन तीन सौ कैक के, के, के अंतर्गत रखा गया है तो अगर पूछे भाई संविधान वो संपत्ति के अधिकार की वैधानिक स्थिति क्या है तो संपत्ति के अधिकार एक संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाघ बारह के अंदर तीन ए आर्टिकल के अंदर इसको रखा गया है और कितने मूल अधिकार अभी संविधान के अंदर है? तो क्षमता का अधिकार चौदह से अठारह स्वतंत्रता का अधिकार उन्नीस सौ बाईस शोषण के विरुद्ध अधिकार तेईस चौबीस धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पच्चीस अट्ठाईस और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार उनतीस तीस और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद बत्तीस अब बात करें अगर थोड़ा सा इनकी डिटेल में बात करें तो समता का अधिकार जो चौदह से अठारह है उसमें चौदह में किसके बारे में बात की गई विधि के एवं विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है इसके अलावा पंद्रह में किसकी बात की धर्म मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता सत्रह में अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिधि पूछा जा सकता है क्योंकि अनटचेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था तो, तो काफी चर्चा में रहा था तो ऐस्यता की बात कौन सा आर्टिकल के यह अंदर की गई शोधान कर सत्रह के अंदर से अठारह में जो उपाधि लेने से मनाई की गई तो ये क्षमता के अधिकार है इन दो दो अधिकार विदेशियों को अवेलेबल नहीं है कौन कौन से पंद्रह नंबर का और सोलह नंबर का मूल अधिकार धर्म मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विवेद का प्रतिषेध और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मूल अधिकार विदेशियों को अवेलेबल नहीं है अगर बात करें दूसरे मूल अधिकार तो स्वतंत्रता का अधिकार उन्नीस सौ बाईस उन्नीस से बाईस तक उन्नीस आर्टिकल उन्नीस में कितने अधिकारों को दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मेलन की स्वतंत्रता संघ बनाने की स्वतंत्रता संचरण की स्वतंत्रता निवास वृत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद उन्नीस अनुच्छेद उन्नीस विदेशों को अवेलेबल नहीं है आर्टिकल बीस के अंदर किसी बात की अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल इक्कीस में बात की प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और आर्टिकल इक्कीस ए के अंदर बात की गई प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टी और आर्टिकल बाईस के अंदर जिसकी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कुछ दशा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल तेईस चौबीस में तेईस बात के बलात्श्रम का प्रतिषेध और चौबीस बात की कारखाने आदि में कार बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध पच्चीस अट्ठाईस में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अंत्यकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने का अधिकार पच्चीस में कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बाद छब्बीस में कही गई किसी धर्म के अभिवृत्ति के लिए करों के संबंधित बात सत्ताईस में कही गई और अट्ठाईस में कई कुछ शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता आर्टिकल अट्ठाईस में कही गई संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो विदेशों को अवेलेबल नहीं है उनतीस में कहा गया अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति तीन चीजों की सुरक्षा भाषा लिपि और संस्कृति तीन चीजों की सुरक्षा की बात की गई अल्पसंख्यकों की वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो सकता है शिक्षण आर्टिकल तीस में कहा गया शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार तो ये उनतीस तीस भी विदेशियों को नहीं है तो अब विदेशियों कौन कौन से मूल अधिकार अवेलेबल नहीं है पंद्रह सोलह उन्नीस सौ उनतीस तीस इस तरह से पांच मूल अधिकार विदेशियों को अवेलेबल नहीं है इसके अलावा जो अंतिम मूल अधिकार है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिच रिट जारी कर सकता है मूल अधिकार को लागू करने के लिए कितने तरह के रिट जारी कर सकता है पांच तरह के रिट जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट परामादेश रिट प्रतिषेध रिट उत्प्रेषण रिट और अधिकार परछा रिट इसी तरह से हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है कौन से आर्टिकल के तहत आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के रिट अधिकारिता ज़्यादा ब्रॉड है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के लिए अलावा अन्य मामलों में रिट जारी कर सकता है कौन हाई कोर्ट तो ये कुछ फैक्ट्स है जो मूल अधिकार संबंधित बातें हमें ध्यान में रखनी है अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की डिटेंशन की भाई इनको डिटेंट तो आर्टिकल 22 में संविधान के आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है कि भाई आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है अब हिरासत या जो निरोध है वो दो प्रकार का हो सकता है एक तो पुण्य दंड और दूसरा होता है प्रिवेंटिव या निवारक दंड विषय का मतलब तो है कि जो इस व्यक्ति ने अपराध स्वीकार कर लिया उसको दंड देना और प्रिवेंटिव का मतलब यह है कि जिसमें बिना अदालत की सुनवाई के बिना उसको हिरासत में लिया जा सकता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति भविष्य में कोई अपराध कर सकता है ठीक है तो उसको ऐसे रोकने के निवार, निवारक निवारक हिरासत में लिया जाता है और ये शक के आधार पर ऐसा किया जाता है ठीक है अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं पहला भाग किससे संबंधित है साधारण कानूनी भाग से संबंधित और भाग दूसरा निवारक या प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है भाग एक की बात करें तो उसके अंदर यदि किसी व्यक्ति को साधारण कानूनी हिरासत में लिया जाता है तो उसके निम्नलिखित अधिकारों की बात इसमें कही गई है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा व क्यों गिरफ्तार किया गया ठीक है इसके अलावा विधि से व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का उसका अधिकार है यानी कि उसको अपने वकील से मिलने दिया जाएगा इसके अलावा उसको चौबीस घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा इसमें यात्रा का समय भी शामिल कि है यानी कि जब तक वो जितना टाइम मजिस्ट्रेट को पास जाने में लगे वो शामिल भी इन चौबीस घंटों में शामिल किया जाएगा और इसके अलावा दंड अधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार भी इसके तहत है भाग दो के अंदर किसके हाँ लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि ये विदेशी व्यक्तियों को यह अवेलेबल नहीं है निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए ये अवेलेबल नहीं है कि भाई उसको किसके पास पेश किया जाए मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जा सके ठीक है अनुच्छेद बाय दो के दो जो दूसरा भाग वो किससे संबंधित है कि दंड विषय कानून के अंतर्गत यदि किसी को गिरफ्तार किया गया तो उससे संबंधित अनुच्छेद का दूसरा भाग है यानी कि जो अमूर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद सईद ठीक है महबूबा मुफ्ती को जो गिरफ्तार किया गया वो कौन से के तहत किया गया निवारक अधिनियम के तहत किया गया तो निवारक अधिनियम क्या, क्या क्या बात की गई पहली बात यह की गई कि किसी भी व्यक्ति को तीन माह से ज़्यादा तक उसको विरासत में नहीं रखा जा सकता और ये दोनों को अवेलेबल है नागरिकों को विदेश नागरिकों को भी अवेलेबल है जब तक कि तीन माह से ज़्यादा तभी रख सक रखा जा सकता है जब हाई कोर्ट के जजों से बना हुआ है बोर्ड की सलाह ली जाए उसके बाद ही तीन माह से ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है ठीक है इसके अलावा उस व्यक्ति को बताया जाए कि भाई उसको क्यों निवारक हिरासत में रखा गया लेकिन ये जरूर नहीं बताया जाए यदि सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहे तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं और तीसरी बात यह है कि निरोध वाला व्यक्ति अपने निरोध के विरोध में प्रतिवेदन जारी कर सकता है लेकिन इस अनुच्छेद बाईस में यह बताया गया कि संसद निम्न काम कर सकती है क्या काम कर सकती है कि ये बता सकती है कि वे किन परिस्थितियों के अधीन किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने के लिए तीन माह यानी किसी को किस कंडीशन में तीन माह से अधिक अवधि के लिए निरोध किया जा सकता है बिना न्यायालय की सलाह के ये कौन निर्धारित करेगा संसद निर्धारित करेगा ठीक है इसके अलावा किसी वर्ग या वर्गों के को, मामलों में कितनी अधिकतम तो, अवधि किस व्यक्ति को निवारक निरोध का बंद करने वाले किसी विधिक तो, यानी कितने समय तक उसको निरोध निरोध किया जा सकता है और इसके अलावा सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया का कैसे अनुसरण किया जाएगा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा कैसे किया जा जा जाएगा ये सारी सारी जिम्मेदारी किसकी है किसके बारे में डिस्कशन किया गया संसद के बारे में कि संसद की सारी सारी जिम्मेदारी होगी अब अगर बात करें तो चौवालीस जो संविधान संशोधन था उन्नीस में जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया बाघ चार के तीन आर्टिकल में उसको रख दिया गया उसी के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो निवारक निरोध है या निवारक जो बंदी बनाया जाता है उसको तीन माह से दो माह कर दिया गया यानी कि तीन माह के जगह कितने माह तक तो बंदी बनाया जा सकता है दो माह तक लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका तो अभी एट प्रेजेंट क्या होता है कि तीन माह तक का ही है हालांकि चौवालीस संविधान संशोधन में संशोधन किया गया लेकिन उसको लागू नहीं किया गया कि भाई तीन माह से दो माह तक की बंदी बनाया जाए तो पूछे भाई चौवालीस संविधान संशोधन में निवारक निरोध अधिनियम क्या बदलाव किया गया तो जो निवारक निरोध की अवधि थी तीन माह उसको घटाकर दो माह कर दी लेकिन वो अभी लागू नहीं हुई है ठीक है अब क्या निवारक निरोधों पर क्या संविधानी कानून बना या संसदीय कानून बना सकती है नहीं इस मामले के में दोनों के पास विशेष अधिकार हैं ठीक है किसी व्यक्ति को संसद के कानूनों के तहत भी निवारक निरोध किया जा सकता है और विधानमंडल कानूनों के तहत संसद के, के कानूनों के तहत किसको जैसे कि सुरक्षा का मामला विदेशी मामला या रक्षा संबंधित मामले हैं तो उसके तहत संसद के पास के पास निवारक शक्ति है और यदि सार्वजनिक सुरक्षा ठीक है सार्वजनिक व्यवस्था वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तो इसके तहत राज्य की सुरक्षा आदि मामले में विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं संसद एवं विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं जैसे कि कौन कौन से कानून अभी तक बनाए गए जैसे निवारक निरोध अधिनियम उन्नीस सौ पचास बनाया गया फिर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मेसा लेकर के उन्नीस सौ इकहत्तर में जो उन्नीस सौ अठहत्तर तक राज्य के तहत आपातकाल लागू किया गया था विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसाय निर्वाण अधिनियम कॉफी पोसा लेकर के आए उन्नीस सौ चौहत्तर में कॉफी पोसा उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा लेकर के उन्नीस सौ अस्सी में पी बी एम सेका लेकर के उन्नीस सौ अस्सी में टाडा आतंकवादी और विधि विधिवंशक क्रियाकलाप लेकर के आए उन्नीस सौ पिचासी में और इसी के तहत पोटा लेकर के आए दो हजार चार में हालांकि पोटा को हटा लिया गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भारत का संविधान लोकतांत्रिक देशों में एकमात्र ऐसे संविधान है जिसके अंदर निवारक निरोध की बात की गई है ठीक है आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूर्व व्यवस्था इसके अंदर की अमेरिका के संविधान में भी इसकी बात नहीं है पूछा जा सकता है कि अमेरिका के संविधान में इसकी चर्चा है जहां से बात के मूल अधिकार लिए गए तो इसकी चर्चा नहीं है ब्रिटेन में तब तक जब दोबारा रखा गया जब द्वितीय प्रथम ब्रिटेन के संविधान में इनकी चर्चा है ठीक है तो ये थे निवारक निरोध अधिनियम कौन से आर्टिकल के अंदर बात की बाईस आर्टिकल संविधान का जो स्वतंत्रता तो का अधिकार है ठीक है दूसरा जो मूल अधिकार उसके तहत इनकी बात की गई और कितने महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते है? दो तीन महीने तक कर सकते हैं हालांकि चौवालीस तो, संविधान संशोधन के तहत इस औद्योगिक कितना किया गया दो महीने लेकिन वो अभी तक लागू नहीं की जा सकती कि और इस पर कानून कौन बना सकते हैं संविधान और विधान मंडल दोनों कानून बना सकते हैं अगले जो कुछ न्यूज है वो क्या है कि भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है हाथी या नोमैदिक एलिफेंट कौन सा एलिफेंट नोमैदिक नोमैदिक एलिफेंट तो पूछे कि नौमे दिक नौमे दिक एलिफेंट एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में है इंडोनेश इंडिया और मंगोलिया सेनाओं के बीच में ये एक्सरसाइज है इसका कौन सा वर्जन अभी आयोजित किया जाएगा चौदवा वर्जन आयोजित किया जाएगा इसके अलावा जो अगले जो न्यूज है वो क्या है कि अगर स्ट्रिक्ट सेक्शन में देखे तो आज ही जो तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक यूनिट है स्पेशल विंग है रैपिड एक्शन फोर्स आर एप, उसका गठन किया गया था और सात अक्टूबर उन्नीस सौ बानवे को इसे रैपिड एक्शन फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया गया था इसके अलावा अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू किया था एंड्यूरिंग फ्रीडम कौन सा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जब सितंबर 2011 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर हमला हुआ था ठीक है अलकायदा के द्वारा तो 2001 में आज ही के दिन यानी कि सात अक्टूबर के दिन ही अलकायदा का सफाया करने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था किसने अमेरिका तो ये ध्यान रखना का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किससे संबंधित है अलकायदा के समापन से संबंधित किसने चलाया अमेरिकान चलाया कब चलाया 2001 में चलाया और कब इसको बंद कर दिया गया 28 दिसंबर 2014 को इसको बंद कर दिया गया जब उसको मार दिया गया तो दिन को इसके अलावा जब हमें राफेल विमान मिल जाएगा तो राफेल विमान के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए राफेल विमान कौन से देश से लिया जा रहा है फ्रांस से लिया जा रहा है और इस राफेल विमान के अंदर दो मिसाइलें लगी हुई है कौन सी मिट्टी और मिसाइल और स्काल्प मिसाइल स्काल्प मिसाइल तो क्या आवाज से ज़मीन पर मार करेगी इसकाल में और मेटियोर मिसाइल कैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है बी वी आर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और एशिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास मेटियोर मिसाइल होगी तो पूछा जा सकता है कि राफेल के अंदर कौन कौन से मिसाइल है मेटीर या, या स्काल्प क्या है तो राफेल के अंदर जो मिसाइल लगाई जाएंगे उनका क्या नाम है, है मीटियोर और स्काल्पा मिसाइल और इसमें मेटियोर कौन से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और राफेल कौन से देश से हम ले रहे हैं फ्रांस से हम राफेल ले रहे हैं और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल लाने फ्रांत जा रहे इसके अलावा एक न्यूज दैनिक जागर ने फ्रंट पेज पर कॉल किया कि स्कूलों में खत्म होगा फर्जी क्योंकि कई स्कूल वाले ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होते नहीं गवर्नमेंट से पैसे उठा लेते हैं तो इसके लिए क्या शुरुआत करेगी गवर्नमेंट जियो टैगिंग की शुरुआत करे किसकी शुरुआत करेगी जियो टैगिंग इसके तहत स्कूलों की जियो टैगिंग करी जाएगी और इसको स्कैन करके आप किसी भी स्कूल का पूरा डाटा ले सकते हो उसमें सरकारी और निजी स्कूल दोनों स्कूल शामिल हो गए जियो टैगिंग के माध्यम से आजकल जियो टैगिंग काफी प्रचलन में नरेगा में जियो टैगिंग किया जाता है जियो टैगिंग के मा जियो टैगिंग होता क्या है जियो टैगिंग में उस क्षेत्र की उस पट

हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने अफगानिस्तान का जो राशिद खान बोल रहे अफगानिस्तान के राशिद खान का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ये ध्यान रखना है कि टी क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन है पाकिस्तान के मोहम्मद हसनन है जो उन्नीस साल है, की उम्र में इन्होंने हैट्रिक लिया श्रीलंका के खिलाफ तो ये तो आज का ये था आज का लेक्चर ऑफ्सो इलाइकेट आज के सवाल कौन कौन से सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले टी क्रिकेट मैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन है नंबर दो भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं संविधान चौवालीस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद बाईस में क्या संशोधन किया गया कौन कौन से मूल अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है भारत और मंगोलिया के बीच कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और संपत्ति के अधिकार के भारतीय संविधान में वर्तमान स्थिति क्या है या, या संपत्ति का अधिकार की वैधानिक स्थिति क्या है तो आई होप आप सब रेस्पॉन्ड करेंगे हैवी वंडरफुल डे एन्जॉय द लास्ट नवरात्रि थैंक यू थैंक यू सो मच यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें और यदि ये, ये चैनल वैल्यूबल लगे तो इसको सब्सक्राइब करें